ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಪ್ರಿಸ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಜ ಸಂಬಂಧ ಶಬ್ದೋ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸಿಖೇಂಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಕರನೆ ಸೇ ಪಹಲೆ ಯದಿ ಆಪ್ ಮೇರಾ ಚಾನಲ್ ಕೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಹೀ ಕಿಯೇ ತೋ ಮೇರಾ ಚಾನಲ್ ಕೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ ಲೀಜಿಯೇ ಔರ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಭೀ ದಬಾ ದೀಜಿಯೇ ತಾಕಿ ಜಬ್ ಮೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರೆಂಗೆ ಆಪ್ಕೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿಲ್ ಸಕೆ ತಾಕಿ ಆಪ್ ಕೋಯಿ ಭೀ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ನಾ ಕರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇರಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏಕ ದೂಸರೆ ಸೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಕೋಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಶುರು ಸೇ ಅಂತ ತಕ್ ದೇಖಿಯೇ ತಾಕಿ ಆಪ್ ಕುಚ್ ಭೀ ಮಿಸ್ ನಾ ಕರೆ. ತೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಜ रिलेशन वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, संबंध शब्दों के बारे में सीखेंगे. तो क्लास शुरू करें फ्रेंड्स. बन्नी कन्नड कलियोना. हाइए कन्नड सीखते हैं. माता पिता, तो माता को कन्नड में ताई बोलते हैं, पिता को तंदे बोलते हैं. माता ताई पिता तंदे. और माँ पापा को अम्मा अप्पा करके बोलते हैं. घर में जो माँ पापा करके बोलते हैं तो उसी तरह कन्नड़ा में माँ को अम्मा करके बोलते हैं, पापा को अप्पा करके बोलते हैं. तो माँ अम्मा, पापा अप्पा. नाना दादा दोनों को कन्नड़ा में ताता करके बोलते हैं. नाना दादा को कन्नड़ा में ताता करके बोलते हैं. आप अज्जा करके भी बोल सकते हैं. तो ताता अज्जा, मगर ताता ज्यादा प्रयोग में है. तो नाना दादा तो कन्नड़ा में ताता. तो नानी दादी को अज्जी करके बोलते हैं. नानी दादी को कन्नड़ा में अज्जी करके बोलते हैं. पति पत्नी, तो पति को कन्नड़ा में गंडा करके बोलते हैं, पत्नी को हिंडती करके बोलते हैं. पति को गंडा, पत्नी को हिंडती करके बोलते हैं. बेटा को मगा बोलते हैं, बहू को सोसे करके बोलते हैं. बेटा मगा बहू सोसे. अभी बेटी को मगड़ू करके बोलते हैं, दामाद हलिया. तो बेटी मगड़ू, दामाद हलिया. देखिए इधर भी लाक्षर का प्रयोग हो रहा है. कन्नड़ा में लाक्षर का प्रयोग बहुत होता है, तो इसलिए ला आपको सीखना बहुत जरूरी है. आपको ला को कभी ला नहीं बोलना है. तो नाती, नाती को मम्मगा बोलते हैं, पोता को भी मम्मगा करके बोलते हैं. तो नाती या पोता दोनों को कन्नड़ा में मम्मगा करके बोलते हैं. नातिन पोती, तो नातिन या पोती दोनों को कन्नड़ा में मम्मगलू करके बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोम्मगळु. सो नाती पोता मोम्मग, नातिन पोती मोम्मगळु. भाई बहन, तो भाई को सोदरा करके बोलते हैं, बहन को सोदरी बोलते हैं. भाई सोदरा, बहन सोदरी. भाई बहन, सोदरा सोदरी. भैया को अन्ना करके बोलते हैं, भाभी को अत्तिगे. तो भैया अन्ना, भाभी अत्तिगे. तो दीदी को अक्का बोलते हैं, जीजा को भावा करके बोलते हैं. तो दीदी अक्का, जीजा भावा. बड़े भाई को अन्ना करके बोलते हैं, वही छोटा भाई को तम्मा. बड़े भाई अन्ना, छोटा भाई को तम्मा करके बोलते हैं. बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं, छोटी बहन को तंगी करके बोलते हैं. बड़ी बहन अक्का, छोटी बहन तंगी. ननद साली दोनों को कन्नड़ा में नादिनी करके बोलते हैं. ननद साली, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नादिनी. नंदोई को अन्ना करके बोलते हैं. नंदोई को अन्ना, यदि बड़े है उम्र से तब अन्ना बोलते हैं, यदि छोटे है तम्मा बोलते हैं. तो उसी तरह साली के पति को अन्ना करके बोलते हैं, और छोटे है तब तम्मा करके बोलते हैं. अधिकतर तो अन्ना करके बोलते हैं. तो जेठ देवर को मैदुना करके बोलते हैं. जेठ देवर दोनों को मैदुना करके बोलते हैं. यदि जेठ देवर दोनों हैं तो जेठ को बोलेंगे दोड्डा मैदुना, और देवर को बोलेंगे चिक्का मैदुना. दोड्डा मीन्स बड़ा होता है, चिक्का मीन्स छोटा होता है. तो जेठ को बोलेंगे दोड्डा मैदुना, और देवर को बोलेंगे चिक्का मैदुना. दोड्डा मैदुना, चिक्का मैदुना. वही जेठानी को अक्का करके बोलते हैं. जेठानी उम्र से बड़ी है तो उसको अक्का करके बोलेंगे. देवरानी को तंगी करके बोलते हैं, नहीं तो नाम से भी बुला सकते हैं. तो देवरानी को तंगी अथवा नाम से बुलाएंगे. जेठानी को अक्का करके बोलते हैं. यदि किसी से मिलाना है, तो किसी से मिलाना है तब जेठ के पति जेठानी को बोलेंगे इवरु दोड्डा मैदुनना हेंडती. तो बोलेंगे दोड्डा मैदुनना हेंडती. तो जेठानी हो गई जेठ की पत्नी, तो बोलेंगे जेठ को दोड्डा मैदुना बोलते हैं, तो उनके पत्नी को बोलेंगे हेंडती. जेठानी को किसी से मिलाना है तब बोलेंगे ये मेरी जेठानी है. तो कन्नड़ा में बोलेंगे इवरु ದೊಡ್ಡ ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ. ಈ ಜಠಾನಿಯೇ ಜಬ್ ಆಪ್ ಮಿಲಾಯಂಗೆ ತೋ ಕನ್ನಾಮೆ ಬೋಲೆಂಗೆ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ. ಉಸಿ ತರ ದೇವರಾನಿಕೋ ಬೋಲೆಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ. ತೋ ಆಪ್ ಬೋಲೆಂಗೆ ನಾ ಏ ಮೇರಿ ದೇವರ್ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಹೇ ದೇವರಾನಿ ಹೇ. ತೋ ಕನ್ನಡಾಮೆ ಬೋಲೆಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ. ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆಂಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ.
साला को बोलेंगे भावा मैदुना, साला को भावा मैदुना करके बोलते हैं। तो बुआ को सोदर अत्ते बोलते हैं, फूफा को सोदर मावा, और भांजी को सोदर सोसे, भांजा को सोदर अलिया करके बोलते हैं। तो बुआ सोदर अत्ते, फूफा सोदर मावा, भांजी सोदर सोसे, भांजा सोदर अलिया। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सोदर अत्ते, सोदर मावा, सोदर सोसे, सोदर अलिया। तो मैं आपको समझा दूंगी। अब उदाहरण के लिए, मैं और मेरा भाई, तो मैं और मेरा भाई है, तो मेरे बच्चे मेरे भाई को सोदर मावा करके बोलेंगे। मेरे बच्चे मेरे भाई को सोदर मावा करके बोलेंगे। उसी तरह मेरा भाई के पत्नी को सोदर अत्ते करके बोलेंगे, सोदर अत्ते, क्योंकि मैं और मेरा भाई सोदरा सोदरीरू, तो सोदरा मेरा भाई हो गया, मैं सोदरी होगी, तो हम दोनों सोदरा सोदरी, इसलिए मेरे बच्चे मेरे भाई को सोदर मावा बोलेंगे और उनके वाइफ को सोदर अत्ते करके बोलेंगे। उसी तरह मेरे भाई के बच्चे जो है मुझे सोदर अत्ते बोलेंगे और मेरे पति को सोदर मावा करके बोलते हैं। तो फिर सोदर सोसे सोदर आलिया के बारे में सीखेंगे। अभी मेरे बच्चे जो हो गए, मेरी बेटी मेरे भाई के लिए सोदर सोसे होगी, सोदर सोसे। उसी तरह मेरा बेटा जो हो गया मेरा भाई के लिए सोदर अलिया बनेगा, तो उसी तरह मेरा भाई का बेटी जो हो गई मेरे लिए सोदरा सोसे बनेगी, उनका बेटा जो हो गया मेरे लिए सोदरा अलिया बनेगा। इधर क्या होता है, तो मेरे बच्चे मेरे भाई के बच्चों के साथ शादी कर सकते हैं, उसी तरह मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चों के साथ शादी कर सकता है। तो इसलिए सोदर आलिया सोदर सोसे मतलब वो बन सकता है, वो सोदर सोस बहू बन सकती है, दामाद बन सकता है, इसलिए सोदर आलिया सोदर सोसे करके बोलते हैं। तो समझ में आएगा ना फ्रेंड्स, सोदर आलिया सोदर सोसे किसको बोलेंगे, सोदर आलिया सोदर सोसे। मेरे बच्चे जो हो गए मेरे भाई के लिए सोदर सोसे सोदर आलिया है, तो भांजा भांजी मेरे भाई के लिए तो भांजा भांजी हो गए, तो उनके लिए वो सोदर आलिया सोदर सोसे हो जाएंगे। उसी तरह उनके बच्चे जो हो गए मेरे लिए सोदर आलिया सोदर सोसे। यदि मेरे भाई को बेटी है तो मैं उसको सोदर सोसे बोलूंगी, यदि बेटा है तो सोदर आलिया करके बोलूंगी। उसी तरह मेरी बेटी जो मेरे भैया के लिए सोदर सोसे हो जाएगी, मेरा बेटा जो है मेरा भाई के लिए सोदर आलिया हो जाएगा। आलिया सोसे, आलिया तो दामाद होता है, सोसे बहू होती है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे तो मेरे भाई के बच्चों के साथ शादी कर सकते हैं, उसी तरह मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चों के साथ शादी कर सकते हैं। इसलिए इधर बहू दामाद करके बोल रहे हैं, बहू सोसे और दामाद अलिया करके बोलते हैं। मेरे भाई के बच्चे हैं इसलिए सोदर अलिया सोदर सोसे बोलेंगे। तो सोदरा मतलब भाई है, तो इसलिए सोदर अलिया सोदर सोसे हो गए। उसी तरह मेरे भाई के बच्चे जो है मेरे लिए सोदर अलिया सोदर सोसे हो गए, क्योंकि मैं सोदरी हूँ, मेरा भाई का सोदरी हूँ, इसलिए इधर मेरे बच्चे उनके लिए सोदर अलिया सोदर सोसे है और उनके बच्चे मेरे लिए सोदर अलिया सोदर सोसे है। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मामी मामा, मामी को अत्ते, मामा को मावा, मैं अभी जो बोली तो मामी को सोदर अत्ते भी बोल सकते हैं और मामा को सोदर मावा भी बोल सकते हैं। तो मौसी को चिक्कम्मा बोलते हैं, मौसा को चिक्कप्पा बोलते हैं, तो चाचा को चिक्कप्पा बोलते हैं, चाची को चिक्कम्मा। तो मौसी चाची को चिक्कम्मा बोलते हैं, चाचा और मौसा को चिक्कप्पा बोलते हैं। अभी माँ का जो छोटी बहन हो गई उसको मौसी, छोटी मौसी बोलेंगे, यदि बड़ी है बड़ी मौसी बोलेंगे, तो कन्नड़ा में छोटी मौसी, तो मौसी को कन्नड़ा में चिक्कम्मा बोलेंगे। माँ से जो छोटी है तो उसको चिक्कम्मा बोलेंगे, माँ से जो बड़ी है उसको दोड्डम्मा बोलते हैं। माँ से, माँ का बड़ी दीदी जो है उनको दोड्डम्मा बोलेंगे, माँ की छोटी बहन जो है उनको चिक्कम्मा बोलेंगे। तो दोड्डम्मा के पति दोड्डप्पा और चिक्कम्मा के पति चिक्कप्पा। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, माँ जो है माँ की छोटी बहन को चिक्कम्मा बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन को दोड्डम्मा बोलते हैं। तो दोड्डम्मा के पति दोड्डप्पा हो गए, चिक्कम्मा के पति चिक्कप्पा हो गए। उसी तरह पापा के साइड में, पापा से जो छोटे है वो छोटे चाचा है तो उनको चिक्कप्पा बोलेंगे, और पापा से जो बड़े है उनको बड़े चाचा बोलेंगे, वो दोड्डप्पा हो गए। तो बड़े मतलब दोड्डप्पा, छोटे मतलब चिक्कप्पा। इधर बड़ा को दोड्डा बोलते हैं, छोटा को चिक्का बोलते हैं, तो इसलिए बड़े चाचा को दोड्डप्पा बोलेंगे, छोटे चाचा को चिक्कप्पा बोलेंगे। बड़े चाची की पत्नी तो बड़ी चाची को दोड्डम्मा बोलते हैं, और छोटा चाचा की पत्नी छोटी चाची को चिक्कम्मा बोलते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, माँ से जो बड़ी है तो उनको दोड्डम्मा बोलेंगे, माँ से जो छोटी है उनको चिक्कम्मा बोलेंगे। दोड्डम्मा के पति दोड्डप्पा हो गए, चिक्कम्मा के पति चिक्कप्पा हो गए। उसी तरह
पापा की तरफ छोटे चाचा, तो छोटे चाचा को चिक्कप्पा बोलेंगे, छोटे चाची को चिक्कम्मा बोलेंगे, बड़े चाचा को दुड्डप्पा बोलेंगे और बड़ी चाची को दुड्डम्मा बोलेंगे। इधर मौसी मौसा को चिक्कम्मा चिक्कप्पा बोलेंगे, चाचा चाची को चिक्कप्पा चिक्कम्मा। तो उसी तरह बड़े चाचा को दुड्डप्पा बोलते हैं, तो बड़े चाचा यथाओं को दुड्डप्पा बोलेंगे, बड़ी चाची यथाई को दुड्डम्मा करके बोलते हैं। अभी सास ससुर को अत्ते मावा बोलते हैं, सास अत्ते ससुर मावा। परदादी परनानी को मुत्तज्जी बोलते हैं, परदादी परनानी को मुत्तज्जी बोलते हैं, परदादा या परनाना उसको मुत्तज्जा बोलते हैं, परदादा परनाना को मुत्तज्जा बोलते हैं। उसी तरह परनाती परपोता को मरी मोम्मगा बोलते हैं, परनाती परपोता मरी मोम्मगा, परनातीन परपोती उसको मरी मोम्मगलु बोलते हैं, परनातीन परपोती को मरी मोम्मगलु बोलते हैं। और बच्चा को मगु बोलते हैं, बच्चे को मक्खड़ू बोलते हैं। छोटा बच्चा को कन्नड़ा में पापू करके बोलते हैं, प्यार से पापू करके बोलते हैं। अभी जैसे पूछते हैं छोटा बाबू कैसा है, छोटा बच्चा कैसा है, तो कन्नड़ा में पूछेंगे चिक्का पापू हेगी दे, पापू हेगी दे, चिक्का पापू हेगी दे करके पूछेंगे। तो बच्चा को प्यार से पापू करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पापू। अब फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, मत्ते मुंदिना वीडियो दली सिगोना, तब तक के लिए धन्यवाद।